हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स्ड फ्रूट रायता। तो आज की डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। फ्रूट रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप फ्रेश दही ऐड कर लेंगे। हैंड विस्क के साथ थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्मूथ होने तक। फ्रूट रायता के लिए हमें बिल्कुल मीठी दही चाहिए, इसलिए हम इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। इससे अगर दही में खट्टापन हो तो वो ख़त्म हो जाता है, इससे दही में और अच्छा टेस्ट आने लगता है। तो ये दूध हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने फ्रूट्स को छोटे पीसेस में पहले से ही कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर आधी सेब, आधी नाशपाती और आधा अनार ले लिया है। आप फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट को दही में हमने ऐड कर दिया है, साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आप इसे फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा फ्रूट रायता तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। और लास्ट में मैंने इसे अनार के दानों के साथ गार्निश किया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।